हम सब साधारण थे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने किसी की नौकरी करके अपना जीवन शुरू किया होगा, किसी ने छोटा सप्लाई का बिजनेस करके, किसी ने छोटा सा ब्रोकरेज का बिजनेस करके। और ये मुंबई जैसे इतनी बड़े शहर में हम कैसे साधारण से असाधारण बन गए, तो इसके पीछे में कई नियम ढूंढने को जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि साधारण से असाधारण बनने में हमारे संस्कारों का रोल था, हमारे परिवार का रोल था और हमारे इस भावना का रोल था कि हम सामाजिक जीवन के अंदर अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करें। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं इनका भी रोल रहता है, पर अब थोड़ा आनंद का रोल आने लग गया है। आज जो अपन लास्ट में जाके 21 बार राम 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 गिने, उन राम को परमानेंट जिन्होंने किया वो नरेंद्र भाई मोदी जी आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। अयोध्या के अंदर अभी तैयारी वास्तव में शुरू हो गई है, माननीय सुरेश जी बगेरिया से आप लोग संपर्क में हैं, पर जिसको लक होगा, जिसके नसीब होंगे, उसको ही वहां पर प्रतिष्ठा के समय खड़े रहने को या देखने को मौका मिलेगा। पर जीवन में कई लोगों के लिए एक आनंद की बात होगी कि 500 साल की लड़ाई के बाद, 50,000 लोगों के बलिदान के बाद, बिना एक खून की बूंद बहाए हुए माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने वो कर लिया जो कि आप और हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपके अंदर का एक व्यक्ति हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि बहुत साधारण तरीके से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और इसलिए आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार के साथ में मिलकर, महानगर पालिका के साथ में मिलकर, यदि परमार्थ समाज सेवा समिति या आप में से कोई भी व्यक्ति कुछ भी यदि कभी करना चाहे तो मुझे बहुत आनंद होगा कि यदि मैं आपके अविश्वास को विश्वास में बदल सकता हूँ, तो सरकार में कुछ अच्छे भी अच्छे तरीके से भी काम कर सकते हैं। उन्हें एक बार परमार्थ सेवा समिति का ये वर्क फ्रक्स और बड़ा हो और घना हो, इसके फ्रूट्स और मीठे हो और ज्यादा से ज्यादा समाज को ये मीठे फ्रूट्स खाने को मिले, इसी भावना के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।